हेलो हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। दिसंबर आ गई एंड बॉक्स ऑफिस पे डंकी आ गई। काफ़ी लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी ये मूवी से, बट ये मूवी लोगों की एक्सपेक्टेशन पे उतर पाई या नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डंकी मूवी अच्छी रही है या नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है कि राजकुमार जी की मूवी है ये, एंड राजकुमार ईरानी से लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उस एक्सपेक्टेशन पे अगर वो खड़े नहीं उतर पाए तो मतलब लोग कहते हैं मूवी खराब है। पर जिस टॉपिक पे मूवी बनी है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे लोगों में फॉरेन कंट्री जाने की हुड़ मची रहती है, बाकी वहाँ जाके क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करना। वो कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावन लागे। मूवी में यही दिखाया गया है कि लोगों को कैसे फॉरेन कंट्री जाने की हुड़ मची रहती है, और वो कैसे गलत एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उन्हें गलत तरीके से फॉरेन कंट्री भेजना चाहता है, और एट लास्ट एजेंट पैसे खा के भाग जाता है। मूवी का मेन मोटिव यही था, बट इसे एग्जीक्यूट अच्छे से किया नहीं गया है मूवी में। मूवी में कॉमेडी सीन्स काफ़ी रखी गई हैं, एंड कहीं कहीं ऐसा लगेगा आपको जैसे फोर्स कॉमेडी की जा रही है। इमोशनल सीन्स भी रखे गए हैं, साथ में कॉमेडी दी गई है जिसमें कि दोनों का सत्यानाश कर दिया गया है। वैसे रियल लाइफ बेस्ड मूवी ऐसी ही होती है। वैसे डंकी क्या है, डंकी का रास्ता कैसा होता है, इसे स्टडी IQ IAS में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मूवी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है मूवी, नो डाउट। इसे फैमिली के साथ बैठ के आप आराम से देख सकते हो। मूवी स्टार्ट होती है फॉरेन कंट्री में। मनु को ब्रेन ट्यूमर है और वो वहाँ से भाग के इंडिया आना चाहती है, बिकॉज वो अनजान लोगों के बीच में नहीं मरना चाहती, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लग रहा। और मूवी ख़त्म होती है जब मनु इंडिया आ जाती है। पूरी मूवी में SRK आपको दिखेंगे, तो SRK फैन के लिए ये बहुत खुशी की बात है, आप लोग जाओ और आराम से देखो इन्हें। विक्की कौशल का रोल थोड़ा सा ही है इस मूवी में, बस इनसे एक नींबू चटवाया गया है, बट उस थोड़े से ही रोल में इस मुंडे ने कमाल कर दिया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट है, एंड काफ़ी इमोशनल फेस पे चली जाती है ये मूवी अचानक से। हार्डी जी को भगवान दिखाया गया है इस मूवी में, ये अपने प्यार के लिए मर मिट रहे हैं, मतलब आपको प्यार हो जाएगा इनको देख के। लड़कियों, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड में हार्डी जी नज़र आएंगे इस मूवी को देखने के बाद। इंग्लिश एग्जाम क्लियर कराने का एक अलग ही टेक्निक दिया है इन्होंने इस मूवी में, पर इसके बाद ये खुद ही फेल हो जाते हैं। देशभक्ति वाली स्पीच भी है, अपने मातृभूमि के लिए वो प्यार भी दिखेगा आपको मूवी पे। साथ में मनु आपको पराठे कैसे बनाते हैं ये भी बताएगी, बट ले दे के आप ये तो सीखोगे कि कैसे लोग पागल होते जा रहे हैं फॉरेन कंट्री जाने के लिए, और वहाँ जाके भी कुछ है नहीं। मूवी के लास्ट में रियल फुटेज दिखाई गई है कि किस तरह से लोग सीट कवर बने हुए हैं, एंड गद्दे में छिपा के लोगों को भेजा जा रहा है, किस तरह से लोग फॉरेन कंट्री में पहुँचना चाहते हैं और फिर कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए मूवी के लास्ट में जो एजेंट डंकी के रास्ते से जाने को बोलता है हार्डी जी को, उसकी अच्छे से सुताई होती है। एंड हार्डी जी का क्या निशाना था, मतलब अभिनव बिंद्रा फिल्म सच में। काफी अच्छे टॉपिक पे मूवी को बनाया गया है, इस तरह की मूवी और बननी चाहिए, बट लोगों को आजकल वही मार धार खून खराबा सेक्स ये सारी मूवीज ही पसंद आती है, तो ऐसी मूवीज को लोग देखने भी नहीं चाहते, बट आई बिलीव कि इसी तरह की मूवी को सपोर्ट करनी चाहिए। Alright guys, that's all for today's videos. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिंदा रहो।